अगर आपको अपनी इमेज के ऊपर से बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे एआई टूल का जिसका आप यूज करके अपनी इमेज के ऊपर से बैकग्राउंड तो रिमूव कर ही सकते हो और साथ के साथ आप उसे एचडी के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हो। इस टूल का यूज करना ही बहुत आसान है और साथ के साथ ये फ्री भी है, तो इतनी सारी चीजें आपको एक टूल के अंदर मिल रही है तो इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। इस टूल का नाम है रेडार AI बैकग्राउंड रिमूवर और ये जो टूल है ना, इसके लिए कोई भी आपको अकाउंट क्रिएट करने की या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप अपने गूगल क्रोम से इसे यूज कर सकते। अगर आपको मोबाइल से यूज करना है तो आप इसे मोबाइल से भी यूज कर सकते हो, ये मोबाइल और पीसी दोनों पे काम करता है। तो इस टूल को कैसे यूज करना और कैसे बैकग्राउंड को रिमूव करना है देखने के लिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें google.com पे आ जाना है और गूगल पे आके हमें यहाँ पर सर्च करना है रेडार AI बैकग्राउंड रिमूवर। तो हम जब ये सर्च करेंगे ना तो इसके बाद ये कुछ ग्रीन कलर का आइकन है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपको शो हो जाएगा ग्रीन कलर के आइकन पे, पहले लिंक है एंड बाकी मैं इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि आप डायरेक्टली क्लिक करके इस वेबसाइट पर जा सके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये सिंपल सा इसका इंटरफेस है, पूरी वेबसाइट बहुत सिंपल है, इजी टू यूज है। बस आपको ये जो बटन दिख रहा है ना अपलोड इमेज, आपको इस क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ना आपकी जो भी इमेज है, लाइक मेरे पास ये एक इमेज है बोतल की, तो मैं इसे एक बार अपलोड करता हूँ एंड इसे अपलोड करने के बाद बस ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। और आप देख सकते हो इस पर लिखा है यू कैन क्विकली रिमूव द बैकग्राउंड और इसने हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर दिया। और आप देख सकते हो कि हमारी जो ओरिजिनल फोटो थी वो कैसी थी, ओरिजिनल कुछ इस तरीके की थी एंड इस पे हमने अपनी जो फोटो अपलोड करी और बैकग्राउंड रिमूव करा है वो ये है। तो आप देख सकते हो विद इन सेकेंड्स बिल्कुल सिंपल, मतलब मुश्किल से मुश्किल 2-3 सेकंड लगी होगी और इसने अपना काम कर दिया। इसके अंदर दोस्तों एक फीचर और है इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना, हल्का सा बस ब्लर करना है। तो आपको ये जो ब्लर ऑप्शन है यहाँ से आप इसकी कंट्रोल कर सकते हो कि मैंने 70% कर दिया, बैकग्राउंड जो 70% ब्लर हो जाएगा। और चाहो तो आप इसे पूरा 100% भी कर सकते हो या बिल्कुल इसे हटा भी सकते हो कि आपको बैकग्राउंड जो है वो चाहिए ही नहीं। इसके अंदर दोस्तों आपको मान लीजिए आपको कलर चेंज करना, मान लो मैंने ओरिजिनल में ये था कुछ पीछे मान आया था बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे किसी वेबसाइट पर अपलोड करना, मुझे बिल्कुल व्हाइट में चाहिए, तो बस आपको ये फोटो लेके ये जो व्हाइट कलर का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। मान लो मुझे कलर ये ब्लू करना है तो ब्लू में ऐसा होगा, ऑरेंज करना ऑरेंज में कर सकते हैं एंड आपको कोई कस्टम कलर चाहिए तो आप यहाँ से अपना कस्टम कलर भी कोई भी चूज कर सकते हो। मान लीजिए मुझे ये शेड चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको बिल्कुल हाई क्वालिटी में चाहिए ना, कि अगर आप इसे देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर जो एज है इसकी थोड़ी सी क्लियर नहीं है, आप इसे हाई प्रोसेस पे करोगे, हाई जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो देन इसकी जो क्वालिटी है और भी ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव होके आ जाएगी। हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा नहीं मतलब ठीक ठाक ले लेता है कई बार एंड बस हमें थोड़ा सा इसके लिए वेट करना। तो दोस्तों इसने हाई क्वालिटी के अंदर इसके जो बैकग्राउंड है इसे रिमूव कर दिया है एंड मैं आपको इसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट में दिखा देता हूँ। तो आप इसके आप एजेस देखोगे ना, इसके जो कोने हैं वो बहुत अच्छे से ट्रिम कर रखे, मतलब बहुत अच्छे से रिमूव कर रखे हैं। और दोस्तों आपको ये जो इमेज है ना इसे डाउनलोड करना है तो यहाँ पे जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। और जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो ये HD के अंदर डाउनलोड होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर ना कुछ टूल ऐसे हैं जो बैकग्राउंड तो रिमूव कर देते हैं लेकिन जब उसे डाउनलोड करते हैं तो HD में नहीं होता, उसकी जो क्वालिटी होती है बहुत बेसिक रहती है, वो अच्छी भी नहीं लगती अगर आप उसे कहीं पर सही से यूज करोगे, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये HD में डाउनलोड करते हैं। यहाँ से मैं इसे कुछ भी नाम दे देता हूँ, मैंने इसे बोतल करके सेव करते हैं और मैं आपको इसे ओपन करके भी दिखा देता हूँ। दोस्तों जब मैंने इसे ओपन करा है ना आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसने रिमूव करा है। तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको कुछ पूछना है कुछ भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो।